आपकी तरह ही मेरे हाथ है, दो पैर निकल जाए, ठीक है ना? दीदी आप धक्का मत दो प्लीज, दीदी मुझे ये स्वेटर चाहिए। दीदी तू अंदर आ जा रही है, बच्चे की निन्ने परेशान मत कर, ठीक है ना? गंदी नाली के कीड़े होते हो तुम, इतना गंदा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने आपको तुम्हें क्या बोले? कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो गाइज, आज हमने क्या था, एक सोशल एक्सपेरिमेंट, हमेशा की तरह जो सीन था वो कुछ अलग ही हो गया। तो आपको क्या करना है, चलकर वीडियो को देखना है, बाकी हो गया था सॉर्टेड मामला। तो आपको क्या करना है, वीडियो को प्लीज़ जाके देखना पूरा बिना स्किप किए, और मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद, ठीक है गाइज? वीडियो प्लीज़, आपको पता है हर वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ अपना प्यार थोड़ा सा दो अपनी रेट्स को, वीडियो को प्लीज़ एटलीस्ट एक शेयर ज़रूर करके जाया करो। बाकी मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद, आप जाकर वीडियो में देखो प्रॉपर हुआ क्या है और किसकी गलती थी किसकी नहीं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। दीदी कहाँ चली आ रही, बाहर चल। दीदी वो कपड़े देखने हैं बच्चे के लिए। बाहर चल, चल हमारे यहाँ पर कोई कपड़े नहीं, ठीक है तुम जैसों के लिए। दीदी गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम जैसे क्यों बोलो, कपड़े लेने हैं वो कौन से, तेरे पास पैसे है, तेरे पास औकात है तो यहाँ के कपड़े लेने की? मेरे पास पैसे, दीदी मैं दिखा देती हूँ, मेरे को 6 महीने के बच्चे, 6 महीने चाहिए, ठीक है भाग जाए ऐसे, ठीक है ना? दीदी 6 महीने के बच्चे के कपड़े चाहिए। नहीं है ना, जाना फिर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? मैं तो प्यार से आपको बोल रही हूँ कपड़े चाहिए, आप पैसे देख लो। लो मुझे पैसे वैसे नहीं देख लिया, पता नहीं कहाँ से चोरी करके आई है। दीदी चोरी नहीं करके आई, पैसे मेरे हैं, मैंने कमा रखे खुद ही मेरे। तो मामे क्या पता तूने कैसे कमाया, चल यहाँ से भाग जा। दीदी मेरी मेहनत के पैसे, आप पैसे क्यों बोल रहे हो, इतना बकवास मत कर, ठीक है चली जा यहाँ से। दीदी इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मैं इतने प्यार से आपको बोल रही हूँ, आप भिखारी कर रहे हो। और भी काम कर रहे हैं, प्लीज जाओ यहाँ से। दीदी आपको क्या मतलब है, भिखारी हो, कोई नॉर्मल इंसान हो, मेरे में तो कपड़े देखना है, मेरे पास तो पैसे है ना। तो हम क्या करें, पैसे हमारी अपनी दुकान की कुछ वैल्यू है, ठीक है दूसरी दुकान से ले लो जाके, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बकवास करने लग रहे हो, आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हो मुझे बताओ। मेरे को अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, सर्दियों के कपड़े नहीं है मेरी गुड़िया के पास, प्लीज आप मेरे को पैसे तो किसी और से ले लो, मेरी यहीं पे दिखाना। क्योंकि आप दीदी पूरे एरिया में देखा, सिर्फ ये दुकान दिखी मेरे को, और भी दुकान है, बाहर चले जाओ, ठीक है? या किसी से मांग लो, या अपना झोला वोला हटाओ, यहाँ पर गंदगी मत मचाओ, ठीक है ना? दीदी पैसे है मेरे पास, आपको मेरे झोले से क्या मतलब है, मेरे कपड़ों से क्यों जज कर रहे हो? मैं आपको बोल रही हूँ मैं पैसे दूंगी, पैसे दे के का सामान खरीद रही हूं ना, मैं क्या करूंगी? आप इतना लाउडली क्यों बोल रहे हो? दीदी मेरे को ना एक नेल कटर चाहिए बच्चे का, और 6 महीने के बच्चे कुछ भी नहीं है, ठीक है तुम पहले जहाँ से जाओ, ठीक है ना? ये उसे उठा लो ऊपर, ठीक है ना? और मेरे को भी गंदा कर रहे हो अपने साथ साथ। दीदी आप इतना गुस्सा मत करो, मेरे को ये स्वेटर दे दो आप, ये कुछ नहीं मिलेगा, आगे किसी और से मांगो। मैं पैसे दे रही हूँ आपको, पैसों का मैं क्या करूंगी? दीदी मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो आपको पैसों से मतलब होना चाहिए ना, मेरे को आप मेरी शक्ल देख के क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? तुम एक भिखारी हो, प्लीज चले जाओ, मेरे को परेशान मत करो, या झोला हटा लो यहाँ से, ठीक है? अब हमने पोछा लगाया, तुम नहीं लगाओगे यहाँ पर, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं चली जाऊंगी, आप मेरे को थोड़ा सा सामान दे दो। तुम जा क्यों नहीं रही हो, इरिटेट करने लग रही है यार खड़े खड़े। दीदी मैं बोल रही हूँ मेरे पास पैसे है, आपको पैसों से मतलब होना चाहिए ना, आप दुकानदार पैसों की मारती उतारूंगी यहाँ पर। पैसों के लिए तो इंसान कमाता है ना, मार्केट में पैसों के लिए होता है ना, तो आपको तो पैसे चाहिए ना, पैसे दे रही हूँ, मुझे तो बस स्वेटर लेनी है अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लीज जाओ तुम। दीदी की शॉप है, मैंने बाहर देखी बोर्ड लगा हुआ है तो और आगे और भी दुकान है, हमारी दुकान की भी कोई वैल्यू, तुम जैसे भिखारी को हम सामान देंगे क्या? दीदी भिखारी क्या सामान नहीं खरीद सकता? नहीं खरीद सकता, हमारी नजरों में नहीं खरीद सकता, किसी और की नजर में खरीद सकते हो तो उसी से ले लो जाके। दीदी माना ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया, हमें इतना नहीं दिया, लेकिन आप ऐसे बेइज्जती थोड़ा करोगे आप? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, मैं बेइज्जती कुछ नहीं, मुझे भी ऊपर वाले ने ही बनाया ना, आपकी तरह ही मेरे भी दो हाथ है, मेरे भी दो पैर है, आंखें है, नाक है, मुंह है, आपकी तरह ही मेरे हाथ है, दो पैर है। निकल जा, ठीक है ना? दीदी आप धक्का मत दो प्लीज, दीदी मुझे ये स्वेटर चाहिए। दीदी तू अंदर आ जा रही है, बच्चे की निन्ने परेशान मत कर, ठीक है ना? गंदी नाली के कीड़े होते हो तुम, इतना गंदा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने आपको तुम्हें क्या बोले फिर? मेरे पास पैसे है दीदी, मैं ये बोल रही हूँ पैसे है तो आपको पैसों से मतलब होना चाहिए ना, मैं पैसे दे रही हूँ ना, मैं भी इंसान ही ना, ऊपर वाले की बनाई है, पैसों को क्या करूंगी? आप इतना गंदा बर्ताव करते हो, भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है, कि जिसकी नजर में उसके पास चले दो जाते जा, ठीक है ना? बकवास करे जा रही है, ड्रामे करे जा रही है यहाँ पे। क्या बोल रही थी, गंदी नाली के कीड़े होते हो? हाँ तो तुम हो गंदी नाली के कीड़े, अपनी पहले औकात देख। तो इतना गलत क्यों बोल रही है, इतना गलत क्यों बोल रही है? मैं भी तो उससे बदतमीजी कर सकती हूँ ना, लेकिन नहीं कर रही ना, पैसों से चीज खरीदने आई हूँ ना, फिर क्यों बदतमीजी कर रही है? नहीं है मेरे पास कुछ भी चीज़। औकात तुझसे ज्यादा ही है मेरी, तुझसे अच्छे कपड़े, तेरी औकात हाँ हाँ तो अभी दिख जाएगी तुझे औकात। और तू क्या, तेरे घर के भी पूरे, तेरा बाप भी कपड़े दिखाएगा अभी, समझ आ गई? ठीक है ना, सब पता लग जाएगा ना, अभी रुक तो जा, कपड़े पहन रखे हैं मैंने नीचे, समझ आ गई? एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, सामने कैमरा लगा रखा है।
मैं देख रही थी कि तुम लोग भिखारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, सिर्फ यही देख रही थी मैं। और एक काम कर, तू अब ओनर को फोन लगा ले। ओनर तो मैं ही हूँ, बोल क्या करेगी। ओनर तू है? हाँ। सीरियसली? हाँ। ओनर कभी भी किसी के साथ इतना गंदा बर्ताव नहीं करता है। ये ना पहले यहाँ पर नंगपना मत कर, कहीं और जाके करियो, ठीक है ना? कोई नंगपना तो अभी अभी तो नंगपना तेरा होगा, थाने में हर चीज होगा, तेरा नंगपना सब होगा। ये ड्रामे मत कर, ठीक है ना? यहाँ पर तू एक काम कर, कपड़े दिखा मेरे को फटाफट, मुझे मेरे बच्ची के लिए कपड़े चाहिए। कपड़े नहीं, ठीक है, जहाँ से निकल, ठीक है ना? तू अपने ये ओनर को बुला ले, यहाँ पे शॉप पे तेरा ओनर तो होगा, कोई ओनर को बुला ले, बुला ओनर को। और तुझे अब मैं बताती हूँ कि कैसे एक कस्टमर की इज्जत की जाती है। सर कहाँ पर हो आप? यहाँ पर है ना, एक लड़की मुझे मारे जा रही है, मेरे साथ ड्रामे करे जा रही है, एक बार प्लीज आप आ जाओ, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मैंने इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, बहुत झूठ बोल रही है। प्लीज एक बार आ जाओ सर, आप आ जाओ। मैंने तुझे हाथ लगाया है? हाँ, तूने मुझे मारा नहीं है। ये पता क्या है? iPhone 13 Pro Max। तो अचार डालो इसका। 14 Pro Max की कीमत पता है कितनी है? मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, ठीक है? फिर? ये ग्लासेस पता है कितने के है? हाँ? है तेरे पास फोन? तेरा फोन तो दिखा, दिखा तो दे, हम भिखारियों की इज्जत नहीं होती ना। तू यार ड्रामे मत कर। सैमसंग S22 Ultra 1,09,000 का फोन है, समझ आ गई? और तू अब ओनर को बुला, फिर देखते हैं। और तू पैसों की बात करी थी ना, पैसे नहीं हो सकते, ये क्या पैसे हो गए ना सारे, तो आने लगना हो रहा है, ठीक है? हाँ बुला ले, बुला ले ओनर को, बुला ले। मैं भी चाहती हूँ तू बुला ओनर को, क्योंकि तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ओनर का बिजनेस ठप करा दो। तुम जैसे तो ऐसे लोग हो जो भिखारियों की इज्जत भी ना करो। अब देखती हूँ तेरा ओनर भी, अब ये भी देखूंगी तेरा ओनर भी कितनी रिस्पेक्ट करता है कितनी नहीं करता। अब रुक तो जा, बुला ले तेरे ओनर को। आने लगे? हाँ आ जाएगी ना, अभी रुक जा, डर क्यों रही है फिर? मैं क्या डर रही? मैं तेरे को वो कराया क्या? जो चल ठीक है, ठीक है। अभी तू क्या, तेरा बाप भी कपड़े दिखाएगा, रुक तो जा। तो बुला ले मेरे बाप को। मैं बुला रही हूँ तेरे बाप को, नहीं पहले तो यहाँ पे तेरे ओनर को बुलाऊंगी, उसके बाद तेरे बाप को बुलाऊंगा। तो जाए, ठीक है। तेरे को बताती हूँ ना मैं क्या होता है क्या नहीं होता, रुक तो जा। आप ओनर सर, इसने मुझे इतना मारा है, इसने मुझे इतना मारा है, मेरे को यहाँ पर बदतमीजी करने लग रही है दुकान के। आप किसी से पूछ लो बाहर। सर मैंने इसको नहीं, आपका कैमरा वर्किंग है? कैमरा वर्किंग है? कैमरा वर्किंग नहीं है शॉप पे आपकी? लीगल चीजें तो करवाओ कम से कम, कैमरा तो वर्किंग होना चाहिए। इतना मारा है ना, यहाँ पर मेरे को बदतमीजी करने लग रही है, मुझे सामान, ये झूठ बोल रही है, मुझे मारे जा रही है। ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं मारा, मारे जा रही है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी इसकी। आपकी बात ही समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो अभी तक मेरे को? सर मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी नॉर्मल सा, ठीक है? और देख रही थी कि ये लोग मतलब भिखारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आपके यहाँ कैमरा है तो आपको पता लग जाएगा कि इसने, मैंने इसको हाथ लगाया नहीं लगाया, मारा है नहीं मारा। हाँ तो तभी इसलिए झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोली सर, ये झूठ बोलने लग रही है, आपको मेरे पे विश्वास नहीं होगा। मैं आपकी दुकान पे इतने टाइम से हूँ। बेटा मेरे को भी पता, आप दुकान से बहुत टाइम से हो। तो किसको बुला रही थी तू? मैं पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ सर। सर आप पुलिस, आप फोन सही हो ना अपनी जगह? सही हो? हाँ मैं ठीक हूँ अपनी जगह। आप पुलिस को अपनी जगह सही हो ना? सर मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो सर। यहाँ पे किसी को किसी से कोई डर नहीं है, इंसान अगर सही है ना तो उसको किसी से नहीं डरना चाहिए। बोलने लग रही है, ठीक है, जैसे तमाशे करने लग रही है। मैं तमाशे कर रही हूँ ना, तब पता लग जाएगा तेरे को। मैं तेरे को हाथ लगाया? हाँ तूने हाथ लगाया मुझे, मारा है मैंने तुझे? तूने मुझे मारा है? अभी देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना? ये सर आपका मेन मार्केट यहाँ पे तो जैसे घटिया लड़के मैंने लाइफ में नहीं देखे। बकवास मत कर, कोई बात नहीं है, अभी पता लग जाएगा ना तुझे कौन सा सच बोल रहा है। हाँ तो बकवास क्यों कर? मैंने तेरे को मारा है, हाथ चलाया ना तुझ पे, मारा है ना, तो क्यों बार बार वो कर रही है फिर? बेटा आराम से, आ रहे पुलिस, रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है ना? पुलिस आ रही है ना? हाँ तो मुझे दिक्कत नहीं है ना, मैं तो मैं अपनी जगह सही हूँ ना, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। अरे बेटा रुको भाई, हां जी सर, इंस्पेक्टर साहब जी, फोन किया था आपने, फोन किया जी, बताइए। मेरी बात सर, इसने ना मुझे इतना मारा है ना, और मेरे को बोला कपड़े दिखा दे, मैंने मना कर दिया, यहाँ पर लंगपना करने लगी, कपड़े उतार के इसमें इसके कपड़े पड़े हैं। आप कस्टमर हो यहाँ पे? नहीं। तो आप, अच्छा आप ये कौन? ये सर मेरी शॉप पे काम करती है। आप ओनर है? हाँ जी। आप कस्टमर है? सर मैं कस्टमर हूँ, और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदने आई थी यहाँ पे, ठीक है? इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे छोटा सा, मैं बता दूँ बेसिकली। तो उसमें क्या हुआ कि मैं भिखारी के रूप में आई थी, ठीक है? तो अब मैंने कपड़े उतार के इसको दिखाया, ये औकात औकात कर रही थी कि गंदी नाली के कीड़े होते हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तेरे पास कहाँ से पैसे हो गए, तू चोरी करके आया है, और ये मेरे को पे झूठा एलिगेशन लगा रही कि मैंने इसको मारा है। मैंने इसको हाथ भी लगाया, इनके कैमरा खुद के वर्किंग नहीं है। आप ये बता दो ये चीज़ लीगल है या नहीं? कैमरा वर्क नहीं कर रहा आपने? सर आप कैसे दुकान चला रहे हैं आप? और ये किसी पे भी झूठा एलिगेशन लगा देगी, वो इंसान फंस जाएगा। लंगपना करने लग रही थी, आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा क्या? ये कहना चाहते हैं मैंने इनको मारा है, ठीक है? आप धीरे बात करेंगे? ये इस तरीके से बात करी जाती है समाज में? इस तरीके से बात मुझे मारे, वो चीज वो है, लीगल है?
आप भी ना चुप हो जाइए, ठीक है? सर अब मैं बताती हूँ कि ये बोल रही है ना मैंने इनको मारा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ना हम लोगों ने अभी भी एक कैमरा लगा रखा है, तो ये कहीं भी सही प्रूव हो ही नहीं सकता। सामने सर हमने कैमरा लगा रखा है, हम लोग ना सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और छोटी छोटी फनी वीडियोस करते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बस, ठीक है? और यह कैमरा लगा हुआ है, इनका कैमरा वर्क नहीं करा लेकिन हमारा कैमरा तो वर्क करा ना सामने। मैं अभी यहाँ से पहले तो आप बताइए मुझे कैमरा क्यों काम कर रहा है। सर मैंने अभी कल ही लड़के मैंने बिठाए थे, उन्होंने बोला कि सर कैमरा नहीं कर रहा। मैंने बोला बेटा करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर दूंगा। और आप क्या कह रही थी, इन्होंने मारा आपको? हाँ मारा। कहाँ मारा? कहाँ मारा? देखो सर, किससे मारा है? कुछ चीज़ होगी, उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, कुछ तो चीज़ दीजिए, सामान किससे मारा है? प्रूफ तो होगा कुछ भी सर, मेरे पास तो प्रूफ है क्योंकि मेरे पास कैमरा लगा हुआ है सामने। यहाँ प्रूफ है? हाँ जी हाँ है, यहाँ प्रूफ है, कैमरा लगा हुआ है सामने, यहाँ प्रूफ है। सर इसकी ना ईगो पे हर्ट हो गई कि इसने मुझे निकाला और मैंने इसको बोला कि मैंने कपड़े उतार के दिखाए, तो मेरी औकात तो कह रही थी ना क्या है तेरी औकात, तो मेरी औकात ये है। तो मैं बस इसको रियलाइज कराना चाहती हूँ कि बैगर भी एक इंसान होता है सर, सबको ऊपर वाले ने बनाया। आप अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो? इन कस्टमर के चक्कर में आपका बिजनेस ठप हो जाता है। आप जो है ना किसी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, ठीक है? ये जो है ना एलिगेशन लगा रही है सर, ये झूठा एलिगेशन लगा रही है। इसके लिए मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, ठीक है? आप चलेंगे मेरे साथ और इनको लेके चलिए, आप सब चलिए थाने, चलिए पहले तो मेरे साथ, ठीक है? वहाँ जाके जो भी होगा ना वहाँ देखेंगे, ठीक है? चलिए चलिए चलिए। मारा था ना मैंने तुझे, आ जा चलिए, क्लियर हो जाएगा ना फिर। सर आइए मैं अपना सामान ले लेती हूँ, क्योंकि सर परमिशन दोगे सर मैं ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है सर, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सिर्फ देख रही थी। सर मैं प्लीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि एक इंसान तो बैगर की सपोर्ट में बोले, एक इंसान, क्योंकि यार भिखारी भी एक इंसान ही होता है ना, उनके भी सेम हाथ पैर होते हैं। मैं सिर्फ एक इनसे इतने प्यार से बोला सर, अगर मेरे पास पैसे ना होते, इनका टाइम वेस्ट कर रही होती तब तो मुझे धक्के मार के निकालते। मेरे पास पैसे भी तो थे ना सर, मैंने इनको दिखाया मेरे पास पैसे है, लेकिन इन्होंने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मारा है। सर ऐसे तो कैमरा ना होता तो आज मैं फंस जाती। देखिए बात वो नहीं है, भिखारी और भिखारी की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप एक इंसान से कैसे बात करते हैं। भिखारी भी तो इंसान है, कपड़े लेने आए आपको, कपड़े बेचने से मतलब या फिर इससे मतलब कि कौन लेने आ रहा है, क्या लेने आ रहा है ये बताइए। क्या अभी आपकी दुकान पे आप सोच रहे हैं अम्बानी आएंगे लेने के लिए? लोग आएंगे ना, नॉर्मल लोग आएंगे ना, ये भी तो नॉर्मल ही है। क्या है इनमें, कांटे लगे हैं? इस तरीके से बात करेंगे आप लोगों की वजह से ना पूरा ये समाज में गंदगी फैल रखी है, ये मेंटेलिटी खराब हो चुकी है। आप इस तरीके से बात करते हैं और आप ऐसे लोगों को काम देते हैं? आप देखते नहीं है कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे नेचर के हैं, क्या है, क्या ऐसे भी सर इन्होंने तो विश्वास में रख रखा था, क्या करें सर। पहले तो आप चलिए, आप चलिए पहले, ठीक है? आप भी चलिए मैडम, ठीक है? आप चलेंगे और आप भी चलेंगे, चलिए चलिए चलिए, आप पहले थाने चलिए, आइए।